यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हर साल अपनी सबसे रोमांचक यूजीनियस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस श्रृंखला में आज शहर स्तर पर बैंक प्रारंभिक प्रतियोगिता का आयोजन शहर के सूरज पट सभागृह में किया गया था। प्रारंभिक दौर के बाद सभी विजेता अंतिम दौर में भाग लेंगे, जो नवंबर 2024 के महीने में मुंबई में आयोजित होने जा रही है। यह क्विज प्रतियोगिता पूरी तरह से निःशुल्क है। इस वर्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में 18 सितंबर 2024 को कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में शहर स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर के दौर का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में नागपुर के छात्रों के लिए पहला दौर था। इस प्रतियोगिता के लिए 6 टीमें पुणे, मुंबई, गोवा, अहमदनगर, नासिक और नागपुर अमरावती आई थी, जिसमें सिटी लेवल में अमरावती रोड नागपुर स्थित सेंटर पॉइंट स्कूल के युक्ता सिंह शयुन जैन का चयन हुआ है। दूसरे स्कूल भवंस बीपी विद्यालय सिविल लाइन से, जिसमें अवनी शावरी यशस्वी सापू है। नारायणा विद्यालय जिस भवन के श्लोक लोनारकर और अरहान वासनिक का चयन किया गया है, सिटी फाइनल राउंड के लिए चयन किया गया था। चौथे स्कूल भवंस बीपी विद्यालय श्री कृष्ण नगर के अर्जुन थिति और राम चौधरी को चयनित किया गया था। पांचवी टीम मॉडर्न स्कूल कोराडी से ऋषिकेश मुन्नावर और मायून ओबेरॉय का चयन किया गया था, तो वही छठवीं टीम भवंस बीपी विद्या मंदिर त्रिमूर्ति नगर से आदिल हसानी और श्रीपाद बापरीकर, इनका चयन किया गया था। ऐसी 6 टीम सिटी लेवल के फाइनल के लिए चुनी गई थी। अंतिम चरण में जोनल लेवल पर सेमी फाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के 12 बच्चे यानी 6 टीम सम्मिलित हुए। ये जोनल फाइनल मुकाबला गोवा, मुंबई, पुणे, अहमदनगर, नासिक और नागपुर के विजेताओं के बीच किया गया, जो फाइनल बजर राउंड था। इस जोनल फाइनल मुकाबले में 2 विजेता टीम यानी 4 बच्चे का चयन किया गया, जिसमें विनर गोवा से मुस्तफन आर्यन हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों विघ्नेश शेट्टी और स्नेहा नीलेश सिनाई जुवारकर रनर अप रही है, एवं मुंबई के केंद्रीय विद्यालय IIT पवई से प्रत्युष कथुरिया ध्रुव दांडेकर है। इस प्रतियोगिता को लेकर रविशंकर उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर और प्रमोद पराते उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय अमरावती द्वारा जानकारी साझा की गई है। या हम रविशंकर, रीजनल हेड यूनियन बैंक नागपुर, नागपुर रीजन। वी आर होल्डिंग दिस यूजीनियस प्रोग्राम, अ क्विज प्रोग्राम फॉर ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स कवरिंग entire Vidarbha. In Vidarbha, Union Bank is having 2 regions. One region is Nagpur, another region is Amravati, and almost 2500 250 schools are covered in Nagpur, and there are another 10 schools are covered from Amravati region. This type of event is conducted throughout India in all the regions by Union Bank of India, and for the last couple of years we are conducting this event. This is the third of this kind in Nagpur, and in Nagpur this is the for a preliminary round, and semi-finals we are conducting afternoon, and final round will be conducted at the central office Mumbai on 8th of November. That is the schedule. The main purpose of conducting this talent search or talent hunt of this quiz type of program is to create the awareness among students about the savings thrift and saving habit. That is the future of India, because Andhra Bank is believing that future of India is lying on these students. Students, for the last year we have conducted there, we are well organized, well equipped, and we are well trained on this one, and most of the schools voluntarily they are coming forward to participate in the event. In today's event, Center Point School from Amravati has won the semi-final berth from Vidarbha region. Congratulations to that Central Point team, their students and teachers. And on the event of this one, we have requested the students, parents and teachers to have cultivate the habit of savings among the students. That is the purpose, and the main purpose is that to encourage the competitive spirit among the students, and not only encouraging the competitive spirit, they also enriching the education system in India is robust, but we want to add something, some flavor to this this thing by providing this type of competitive environment. If we start this competitive spirit among the students from the earlier stages, they'll be good enough to face any challenges in their future. That is the aim. Yes, the main winner of the trophy will be winning the 2 lakhs worth of cash prize
दैट इज बीइंग अवार्डेड बाय आवर सेंट्रल ऑफिस मुंबई। नमस्कार, मैं प्रमोद पराते, रीजनल हेड अमरावती। मैं पिछले 6 महीने से रीजन को हेड कर रहा हूँ और हमारी 13 टीम यहाँ पे आई थी, जिसमें से जो एक ही टीम विनर हुई है स्टेशन सेंटर पॉइंट अमरावती। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें सेमीफाइनलिस्ट जो फिर मुंबई जाएंगे उसके लिए हमारी अमरावती की टीम भी इसमें एक है जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी। अभी नहीं, सिर्फ अमरावती की टीम विन हुई है और इसका मुझे बहुत खुशी भी है कि अमरावती से टीम विन हुई है जिसको हम लोग लेके आए आज। प्रतियोगिता में 124 स्कूलों एवं करीबन 1000 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनका चयन एक 20 मार्क की कॉमन प्रीलिम्स के माध्यम से किया गया था, जिनमें 5 से टॉप 12 छात्रों यानी 6 टीम का चयन हुआ है, जिनमें सिटी फाइनल का स्टेज राउंड हुआ जिसमें अमरावती के सेंटर पॉइंट स्कूल के छात्रों ने पहले नंबर पर जीत हासिल की है। तो वही क्विज के सिटी राउंड के रनर अप रहे हैं भवंस बीपी विद्या मंदिर श्रीकृष्णनगर। सिटी फाइनल में प्रथम क्रमांक की अमरावती रोड नागपुर के सेंटर पॉइंट स्कूल जोनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालय गोवा, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदनगर, क्षेत्रीय कार्यालय नासिक, क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने हिस्सा लिया था। सेमीफाइनल की विजेता और उपविजेता टीम फाइनल राउंड में भाग लेगी, जो नवंबर 2024 में मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। नागपुर के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रविन्द्र काटोलकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा बोर्ड पुणे नवीन जैन, महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय पुणे सुभाष केशव, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय पुणे प्रमोद पराते, उप महाप्रबंधक प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय अमरावती MVN रविशंकर, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर आकाश श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय अमरावती राजेश यादव, सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर एस शिव कुमारन, सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर अजित लगजोम जी, सहायक महाप्रबंधक MLG नागपुर उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।